अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो है मोवावी वीडियो एडिटर में हम देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो में इंट्रो जो है वो कैसे लगाया जाता है, कैसे जो है वो इंट्रो बनाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि टाइटल वगैरह या फिर जो हम सब टाइटल लगाते हैं वीडियो के अंदर वो किस तरह जो है वो बनाए जाते हैं। तो आपने वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही अहम वीडियो है। किसी भी वीडियो में जो टेक्स्ट फॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टेक्स्ट को किस तरह हमने प्रेजेंट किया है या किस तरह हमने अरेंज किया है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हाँ जी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम जो है वो बहुत मेन चीज़ एक डेवलपमेंट देखेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्ट था, किस पे हमने, फिर हमने बड़े से फिल्टर, या तो मैंने ट्रांजिशन जो है उसको भी स्किप किया। और नीचे यहाँ फोर्थ नंबर पे है टाइटल कह रहे हैं या टेक्स्ट वगैरह कह रहे हैं। टेक्स्ट पे या टाइटल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो गई। अच्छा, ये नीचे वही प्रोजेक्ट है जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, लेकिन मैंने इसके जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टेक्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो टाइटल आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है टाइटल। और यहाँ पे भी जो है वो कुछ टेक्स्ट डिफरेंट तरह के जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो में चीज़ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन या टाइटल वगैरह, या वीडियो का जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट के वीडियो किस बारे में है। अक्सर जब हम कोई ड्रामा या फिल्म वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम आता है। इसी तरह हमारे पास सबसे पहले जो है वो चीज़ है जी इंट्रो वीडियो। इंट्रो वीडियो पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे इस तरह के जो है वो मेरे पास 12 से 15 जो है वो इंट्रोज आ रहे हैं। इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, किसी भी जो है वो इंट्रो के अपर राइट साइड पे डाउनलोड का एरो आ रहा होता है। अब मैंने ये वाला इंट्रो जो है वो इंस्टॉल कर लिया है, ये वाला जो इंट्रो है वो मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे नीचे मैंने ये वाला जो इंट्रो है ये वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे क्लिक कर रहा था वैसे वैसे प्ले हो रहे थे। इसमें से कोई भी एक इंट्रो जो है वो अब हम इस वीडियो के स्टार्ट में लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंपली ये वाला जो इंट्रो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है नीट, और इसको मैंने जो है वो अब वीडियो के स्टार्ट में लेके आना है। सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर लूँगा या फिर इसको राइट क्लिक करके ऐड टू फ्रंट पोजीशन जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, या फिर ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि ऐड टू बिगनिंग, ऐड द बिगनिंग करूँगा तो यहाँ पे ये बिगनिंग में आ जाएगा। अब कंट्रोल के साथ मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि इस इबुल है वो थोड़ा जूम इन हो जाए टाइमलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला है जी सेव दिस इंट्रो टू द कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन जो है वो यहाँ पे हमारे फेवरेट में आ रही होती है, अगर मैं सेव कर लूँगा तो ये फेवरेट में आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रहा है जी एडिट दिस इंट्रो, एडिट करूँगा तो इंट्रो की जो ड्रा फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब वो सारी वीडियोज जो है वो ख़त्म हो गई हैं और इंट्रो की जो फाइल थी वो ओपन हो गई। इसमें दो चीज़ें हैं जी, ऊपर है टेक्स्ट और नीचे हैं ग्राफिक। ग्राफिक्स हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी इंट्रो में, अलबत्त टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल होता है, डबल क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, एक बात बताना भूल गया, या तो ये इंट्रो का टेक्स्ट हो या फिर सिंपल कोई भी टेक्स्ट हो हमारे पास ये वाला, तो किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो क्लिपिंग एडिटिंग की जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें बेसिक किसी भी टेक्स्ट को जैसे फॉर्मेशन करने के लिए थोड़े से टूल प्रोवाइड किए जाते हैं और सॉफ्टवेयर में, इसी तरह इसमें भी हमने जो है वो कुछ टूल दिए गए हैं। सबसे पहले लाइन कह लें या फिर राइटिंग सेक्शन कह लें। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा, मैं लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि दो लाइन में है, मैं अगर एक भी करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसका जो है वो थोड़ा कलर डार्क कर लें, ठीक है जी, फिर मुझे ज़रा नज़र आए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है वो फाउंड जो है इसका बोल्ड हो, तो यहाँ से मैंने कोई भी अपना बोल्ड फाउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो आपके पीसी में फाउंड होंगे वो सारे यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। तो मुझे यदि फेवलिन वो थिक, मुझे यदि ये वाला जो बोर्ड फाउंड है ये अच्छा लगा तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, आपको यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है जी इसका साइज मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 500 तक लेके जा सकते हैं। अब मैं करता हूँ जी 120, और यहाँ पे इसके नीचे थोड़ी सी अलाइनमेंट है, जो मैंने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है या सेंटर, और ये बोल्ड टेरिक वगैरह और अंडरलाइन वगैरह इनमें से मैं कुछ भी नहीं यूज़ करूँगा, ये मैं मिड में रखा हूँ। अच्छा, अब नीचे दो चीज़ें हैं, एक है जी बैकग्राउंड और एक है आउटलाइन।
बैकग्राउंड पे जब हम टिक करेंगे तो आप देखें कि उसने एक बैकग्राउंड दे दिया है, टू कलर यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखें। तो उसने क्या किया कि ये टेक्स्ट था हमारा, उसके पीछे एक बैकग्राउंड दे दिया। बहुत कम यूज़ होता है लेकिन कभी कभार यूज़ होता है। इसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन स्टॉक की तरह होती है, मैं क्लिक करूँगा तो ब्लैक कलर की उसने एक आउटलाइन लगा दिया। इस लाइन की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ मैं लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये चार तरह के जो है वो स्टॉक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ब्लू दिया। अच्छा, आप आ जाते हैं कि ये यहाँ पे मैंने एक लाइन में निकला है लेकिन यहाँ से दो लाइनें हैं, क्योंकि ये जो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर ही टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो मैंने एक काम करना है, मैंने इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के, ये जो दरमियान वाले दोनों एरोज हैं यहाँ से इसको ओपन करना है। अच्छा, अब मैंने ये दरमियान वाला एरो क्यों कहा है, अगर मैं ये अपर राइट साइड और लेफ्ट साइड या बॉटम राइट लेफ्ट जो है, अगर मैं उससे पकड़ के इसको जो है वो ब्रैक एंड ड्रॉ करूँगा तो आप देखें कि टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है। टेक्स उतना ही रह रहा है लेकिन टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज नहीं करना, मैंने इसको एक लाइन में लेके आना है। तो मैंने ये दरमियान वाले जो एरोस हैं इनसे पकड़ के इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना है। अब इसको मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये देखिए गाइडलाइन के मुताबिक मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया है। आउटलाइन में जो है वो खत्म कर रहा हूँ। अब मैं इसको अप्लाई एंड रिटर्न पे करूँगा तो ये हमें वापस ले जाएगा हमारी वीडियो पे, ये देखें। अब हम वापस वीडियो पे आ गए हैं। अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊँ तो वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो अभी यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि उसने टाइटल में दिया होगा, ठीक है जी। अब जी ये था जी इंट्रो, के हमने इंट्रो जो है वो वीडियो का इस तरह जो है वो सेट करना है। आप खुद भी बना सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से भी कोई भी जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने वीडियो की थीम के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल का। अच्छा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी तरह के टेक्स्ट होंगे ये जो नीचे हमें प्रोवाइड किए गए हैं ये सारे के सारे ही आ जाएंगे इसमें। अब कितने किस्म के टेक्स्ट है, फेवरेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि ऐड टू फेवरेट कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी माई टाइटल। माई टाइटल में वो आएगा जो हम यहाँ से सेव करेंगे। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो आप देखें कि ये मुझसे पूछ रहा है कि ये नीट 01 आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये इसको सेव नहीं कर रहा। फीचर पे चलते हैं। फीचर में जी उसने अच्छे अच्छे जो टेक्स्ट है वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अक्सर हम जो है वो मुख्तलिफ तरह के टाइटल्स वगैरह या वीडियो में इंट्रो वगैरह यूज़ करते हैं। अब मैं आपको पहला इंट्रो दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हम डायमंड देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का आएगा कि ये पहले डायमंड आएगा, फिर एरोज आएंगे, ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा। और ये पूरा जो है वो एक फॉर्मेशन बना के उसने हमें दिया। अगर मैं स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि स्टूडियो वाला जो है वो किस तरह होता हुआ है, ठीक है जी। तमाम जो टेक्स्ट हैं, तमाम जो टाइटल हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। अगर कोई भी हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट विथ लाइन टू जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, अब हम इसमें फीचर के बाद है जी बेसिक। बेसिक टेक्स्ट जो है वो ज़रा सिंपल टेक्स्ट हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट हैं जो हम लिखते हैं कभी कभार अपनी वीडियो में किसी चीज़ को मैंशन करने के लिए या फिर कोई चीज़ जो है वो दिखाने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पे है, या फिर हम सब टाइटल वगैरह बनाते हैं या एंड क्रेडिट्स वगैरह ये देखें उसने बना के दिए हैं। ये सारे जी बेसिक टेक्स्ट में आते हैं। बेसिक के बाद आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक में उसने कुछ जो है वो मॉडर्न टेक्स्ट दिए हुए हैं, वो भी जो हमारे पास पीछे था डायमंड है, इसमें हार्ट है, न्यू वाला 3D प्लेस कार्ड है, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ है, डिफरेंट तरह के जो है वो उसने फॉर्मेशन बना के हमें टेक्स्ट प्रोवाइड किए। ये देखने के क्लीन सर्कल जो है वो कितना लीड जो है वो सर्कल आ रहा है और उसके अंदर टाइटल और टेक्स्ट वगैरह निकल रहा है। आगे है जी ओपनिंग। कुछ हमने जो टेक्स्ट अगर ओपनिंग लगा दी हो तो वो भी है हमारे पास, और स्पीच बबल अगर हमने कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो तो वो भी है। अच्छा, अब चलते हैं वापस फीचर में। फीचर से देखे स्पीच बबल तक हम एक एक जो टेक्स्ट है वो इस पूरी वीडियोज पर अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ तो ये मेरी उसने पहली वीडियो है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको नाम दे देना है फर्स्ट वीडियो का। तो इनमें से फीचर में से कोई भी जो है वो मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ जी ये वाला टेक्स्ट, क्लीन लाइन वाला। तो क्लीन लाइन वाले टेक्स्ट को मैंने ड्रैग करना है और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ करना। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने ऊपर वाला टाइटल क्या रखना है, मैंने रखना है जी वीडियो बस, और नीचे वाला मैंने रखना है नंबर एंड वाह, ठीक है। तो इसको जी हम जो है वो
अब अरेंज करेंगे कि किस जगह पे अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो हमें इस तरह हमने सेलेक्ट करके उसको तो हम ऊपर नीचे जहाँ पे भी लेके जाना है उसको ले जाना है। इसका साइज थोड़ा सा जो है वो मैं छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा कि हमारा वीडियो नंबर 1, और किस तरह और ये किस तरह आएगा उसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं। अगला है जी बेसिक। बेसिक टेक्स्ट में डिफरेंट तरह के टेक्स्ट है जो कि जूम इन जूम आउट स्लाइड्स ग्रोथ। अच्छा आप इसमें से भी कोई एक बात यूज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये फेडिंग टेक्स्ट जो है वो यूज़ करता हूँ। फेड होके मन पास आएगा। यहाँ पर जी मैं इसको सेकेंड मीटिंग के स्टार्ट में ले आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड वीडियो वीडियो नंबर 2, ठीक है। और इसका फॉन्ट अगर मैंने कोई चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करके इसको एक माइंड में अरेंज करके इसका भी थोड़ा सा साइज छोटा करके मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दें। तो अब इसको भी प्ले करके देख सकते हैं, फेड होते वो हमारे पास आएगा और खुद ही जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह की नीचे आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में से भी कोई एक जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। मैं इसमें से जो है वो ये वाला फ्रेंडशिप वाला जो है वो यूज़ करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में। और फ्रेंडशिप पे मैं लिख देता हूँ नंबर 3, ठीक है। अब इसको भी जो है वो मैं थोड़ा सा पॉइंट जो है वो बोल्ड कर लेता हूँ। मुझे ज़रा लगता है कि वीडियो भी जो है वो कौन बोल्ड होने चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन में मैं एडजस्ट कर लूँ और इसको उसके अंदर रख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लूँगा और इसको भी मैं ऊपर अरेंज कर, ठीक है जी। मैं एक जैसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ ताकि जैसी चीज़ें लगी और समझ आए। अच्छा अब नेक्स्ट है जी ओपनिंग। ओपनिंग में मेरे पास 4-5 तरह के जो है वो टीप टाइटल आ रहे हैं। अच्छा ये सारे टाइटल ही है तो मैं टाइटल कह रहा हूँ। अब इसमें से भी मैं कोई चीज़ जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं वीडियो सीरीज वाला जो है वो यूज़ करता हूँ अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो पर। तो ये देखें कितना अच्छा था जो है वो हमारे पास इसका स्टाइल आ रहा है। इस स्टाइल को पूरे को हम कलर फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं चेंज कर सकते। इस टाइम मैं लिखता हूँ जी वीडियो कौन सी है मेरी 4th, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो सीरीज जो है वो मैं अभी फिलहाल खत्म कर दे ठीक है दीदी इस तरह का है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जी स्पीच बबल है। अच्छा बबल्स वगैरह अगर बिल्कुल मैंने यहाँ पे ये जो केवल कार आ रही है मैंने इसको हाईलाइट करना था, तो मैं इसमें से कोई भी स्पीच बबल जो है वो उठा लूँगा और यहाँ पे ला के उसको पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ कि यहाँ पे जी केवल कार आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको सेट कर देता हूँ तो ये जी केवल कार ये लड़ो आ रही, तो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। या लिख भी हम इसे कह सकते हैं, तो ये भी जो एप देखते हैं लिख के साथ साथ चलेगा तो यहाँ पे भी लिफ्ट आ रही, ठीक है। केवल कार है या लिफ्ट है जो भी। तो एक बार जी हम इस पूरी वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। वीडियो नंबर 5, फिर नेक्स्ट है वीडियो नंबर 2, फिर नेक्स्ट है वीडियो नंबर 3। देखिए कितने खूबसूरत जो है वो टाइटल हमें पने बनाए मिलते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। तो ये मुख्तलिफ तरह के टाइटल और मुख्तलिफ तरह की वीडियोस में मुख्तलिफ जगह से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो सीरीज वाला सॉरी नंबर 4 पे, और यहाँ पे लास्ट में हमने एक स्पीच वगैरह यूज़ किया जी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका मोवावी वीडियो एडिटर के बारे में, या फिर डाउनलोड नहीं हो रहा या फिर डाउनलोड हो के चलता नहीं है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं उसका हल आपको ज़रूर बताऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने गिवा।